बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है। गडकरी ने यह भी कहा कि वो मूल्यों और संगठन के प्रति वफादार हैं। वो किसी पद के लिए समझौता नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उससे पहले एक विपक्षी नेता ने उन्हें पीएम पद की दौड़ में शामिल होने पर समर्थन की पेशकश की थी, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कह दिया। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने विपक्षी नेता बनने का जो ऑफर है उसको ठुकरा दिया। एक अच्छी अचानक घटना में नाव ने संगत खोला था, तो मनाले कि इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। मतलब व्हाई यू शुड सपोर्ट मी एंड व्हाई आई शुड टेक योर सपोर्ट। टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ। आई एम लॉयल टू माय कन्विक्शन एंड माय ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी पोस्ट बिकॉज माय कन्विक्शन ये मेरे लिए सर्वोपरि है। तो चुनाव से पहले ऑफर मिला था और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता ने उन्हें पीएम पद की दौड़ में शामिल होने पर समर्थन की पेशकश की थी। बयान आपने सुना, नितिन गडकरी को किसने पीएम पद का ऑफर दिया था ये बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने खुद कहा है, आपने भाषण में सुना कि एक विपक्षी नेता ने उन्हें पीएम पद की दौड़ में शामिल होने पर समर्थन की पेशकश की थी। मेरे लिए बीजेपी सर्वोपरि है, गडकरी का ये कहना है।